बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, दुआ में याद रखा कीजिए। अच्छा, आज की वीडियो स्पेशली फॉर यूट्यूबर्स है कि आप लोग जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो अपने पीसी की, कंप्यूटर की, उसके लिए इजी वे क्या है, आसान तरीक़ेकार क्या है जिससे आप जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपनी कर सकते हैं। ये उस पर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ करके अच्छे तरीके से अच्छे रिजल्ट में आप निकाल सकते हैं। अब मैं जो यूज़ करता हूँ वो है OBS स्टूडियो, ठीक है, ये आपके सामने खुला खड़ा है। ये मेरे पास, ये देखें, फाइल पड़ी है OBS स्टूडियो की, ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे कैमरा सेट किया हुआ, सॉरी वो ये कैमरे का आ गया, कैमरा मैं अब मोबाइल का यूज़ कर रहा हूँ वाईफाई के ज़रिए, इसी के साथ उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा कि वो कैसे बनानी है। और एडिटिंग वगैरह का तो मैंने पहले फिल्मोरा पर बना चुका हूँ कि एडिटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये मेरा कैमरा पकड़ के मैं आपके सामने ही है, जिधर मर्ज़ी लेके चला जाऊँ, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी, ये ऐड करना, आपको बताता हूँ यहाँ चीज़ें ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं मेरा लगा हुआ है, ये सब्सक्राइब टू माय चैनल youtube.com, शुरू में लगाया था वही लगा हुआ, चेंज ही नहीं किया। ऊपर लोगो लगा हुआ है, ये AWS सर्विसेज का, एक कॉर्नर में आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये लगा हुआ है, वहीं का वहीं खड़ा है, ठीक हो गया। इसके बाद ये कैम है, ठीक है, कैमरे के बाद ये बाकी जो लेआउट है, आपने कौन सी स्क्रीन करनी है, ये चीज़ देखें ज़रा, यहाँ पर आ जाएँ। एक तो है ये डिस्प्ले कैप्चर, ठीक है, डिस्प्ले कैप्चर क्या है मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इधर ले आते हैं डिस्प्ले कैप्चर, बल्कि एक मिनट में पीछे से इसको कैमरे को जो है ना बंद करते हैं, प्रीव्यू इनेबल प्रीव्यू को हम ऑफ कर देते हैं ताकि आपको समझा इजी इसको, ठीक है ना। डिस्प्ले कैप्चर, अब डिस्प्ले कैप्चर, अब ये वाला जो डिस्प्ले है, ये वाला सेट हुआ, अगर मेरे पास ड्यूअल स्क्रीन है, मुझे दूसरी स्क्रीन अगर मैं रिकॉर्ड करना चाहूँ तो ये मैं दूसरी स्क्रीन पर चला जाऊँगा तो मेरी दूसरी स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड होने लग जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं इसको इधर ही रखूँगा ताकि हम जिस LCD पे, जिस पे हमारे जो है चल रही होगी रिकॉर्डिंग, हम उससे दूसरे पे OBS को रन करेंगे ताकि टेंशन ना हो, इजीली हम जो है वो एक साइड पे खड़ा और दूसरे जो विंडो है उसमें सारा काम कर रहे हैं, वही आपकी रिकॉर्ड हो रही है, ईजिली हो जाती है। डिस्प्ले कैप्चर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट GDI+, ये टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मैं यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, ये टेक्स्ट मैंने क्या लिखना है वो चेंज कर सकता हूँ, उसका कलर क्या रखना है, कलर सारा को, ये बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, यहाँ ये पूरी डिटेल आप स्क्रॉल डाउन करके सारी देख सकते हैं, यहाँ पे कितना इजीली आप यहाँ हर चीज़ अपनी, ये एक किस्म का आपका एडिटर है। अगर आपने इंट्रो वगैरह नहीं लगाना, कोई चीज़ नहीं लगानी, मैं तो इंट्रो वगैरह लगा रहा होता हूँ तो मैं वो फिल्मोरा पर लगाता हूँ, ठीक है, यानी कि वीडियोज़ अगर आपने इकट्ठी करनी है, ज़्यादा क्लिप्स हैं उनको आपने इकट्ठा करना है, आपने साथ ऑडियो लगानी है, तो वो चीज़ आप वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आपने अपना लोगो लगा दिया, आपका कैम साथ चल रहा है, उसके बाद आपने टेक्स्ट को लिख के लगाना है वो लगा दिया, आप अपनी डिस्प्ले कैप्चर कर रहे हैं, विंडो कैप्चर कर रहे हैं, LCD पूरी का जो डाटा है वो आप कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है, वो एक किस्म की आपकी एडिटेड हुई हुई निकलती है यहाँ से वीडियो, आपको बस क्लिक करें यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग का, जैसे रिकॉर्ड हो रही है मेरी, सब वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, स्टॉप रिकॉर्डिंग में करूँगा तो स्टॉप हो जाएगी, यहाँ से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद फाइल बार आई, सेव हुई, डायरेक्ट उसको अपलोड कर दिया, सिंपल वे अगर आप इस तरह करना चाहें, ठीक है, अगर इंट्रो वगैरह आपने नहीं लगाया हुआ तो। ये इमेज लोगो जो ये मैंने सेट किया था, एक साइड पे कार्नर पेपर लगा हुआ है, ये मैंने यहाँ पे सेट किया, यहाँ कोई भी आप लगा सकते हैं, साइज़ उसका कोई भी आप डिफाइन कर सकते हैं, कितने एरिए में आए, ये चीज़ जो मैंने की हुई है ब्राउज़र, ये मेरा कैम है जो मोबाइल से चल रहा है, यहाँ पर मेरे सामने मोबाइल पड़ा है इस वक्त, पहले वहाँ मेरा वेबकैम लगा हुआ था सामने LCD के ऊपर, ठीक है, लेकिन अब मैं मोबाइल से कर रहा होता हूँ, ठीक है, इससे ये है कि मैंने इसलिए कि यार रिज़ल्ट अच्छा आता है, ठीक हो गया ना। सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर किसी ने, किसी को चाहिए हो, मेरे पास मौजूद हैं, रजिस्टर्ड वर्जन मौजूद हैं और मैं शेयर कर सकता हूँ ऑन ड्राइव, ठीक है, अगर किसी भी दोस्त भाई फ्रीलांसर को, यूट्यूबर को चाहिए हो तो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मुझसे ईमेल पर रब्ता करें, ठीक है, मैं उसको इंशाल्लाह जो है इसकी एक्सेस दे दूंगा, OBS स्टूडियो की, फिल्मोरा की, IDM जो है रजिस्टर्ड वर्जन उसकी भी, ये चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं, ठीक है। कंप्यूटर रिलेटेड जितना भी डाटा मेरे पास रजिस्टर्ड होगा या कहने क्रैक होगा वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, तो दोनों में याद रखिए, सिंपल सा ये काम है, कोई इतनी मुश्किल वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। एक चीज़ बताना भूल गया, सॉरी, इसमें आप स्ट्रीम भी कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं, आपने सेटिंग खोलनी है, ठीक है, सेटिंग खुल गई, सेटिंग खुलने के बाद
आपने यहाँ एक तो ये ऑडियो आपने सेलेक्ट करना होता है, ऑडियो का डिवाइसेस, ये मेरी हैंड्स फ्री हुई है, सेलेक्ट सामने लगी हुई है, हैंड्स फ्री रिकॉर्डिंग करता हूँ, कोई दूसरा माइक नहीं मेरे पास अभी, ठीक है ना, माइक लूँगा इंशाल्लाह भैया का। और ये स्ट्रीम का ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रीम का ऑप्शन क्या है, ये स्ट्रीम जो है यहाँ थोड़ा सा कर देते हैं आपको, मैं दिखा देता हूँ ईजिली। फेसबुक लाइव, अगर आप फेसबुक पर लाइव करना चाह रहे हैं, देन अगर आप यूट्यूब पर करना चाह रहे हैं, आप यूट्यूब पर करेंगे, प्राइमरी यूट्यूब सर्वर, और ये स्ट्रीम की है, ठीक है, ये आपने स्ट्रीम की देनी होती है। आप जब यूट्यूब में लाइव करेंगे ना, और वहाँ कहेंगे इनकोडर के थ्रू हमने करना है, ठीक है, वहाँ इनकोडर पे आपकी स्ट्रीम की आएगी, स्ट्रीम को की को वहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, पेस्ट करने के बाद ये नीचे अप्लाई का बटन है, अप्लाई देन ओके, ठीक है, ओके कर देंगे, ओके करने के बाद आप ये रिकॉर्डिंग वाला बटन नहीं दबाएंगे, आप करेंगे स्टार्ट स्ट्रीमिंग, तो आपकी यूट्यूब पर स्ट्रीम शुरू हो जाएगी। मैंने जो एक दो दफ़ा स्ट्रीम की है, जो मैंने इसी के थ्रू की है, यहीं से की है, ठीक है, काम करते के दौरान मैंने यहाँ से ही कर दी थी स्ट्रीम, ताकि यहाँ से इजी है ना, डायरेक्ट अगर आप यूट्यूब से करेंगे तो आप कैमरे से करेगा ना, आप किसी इनकोडर के थ्रू ही करेंगे तो वो आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड करके जो है वहाँ लाइव हो सकती है, इसी तरह ऐसे बिला वजह नहीं होगी, यानी कि डायरेक्ट यूट्यूब पर भी नहीं होगी, और आप फेसबुक पर लाइव भी यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि आप लाइव में अपना स्क्रीन दिखा रहे होंगे, स्क्रीन पर जो काम कर रहे हैं या कुछ और जो भी हो रहा है, आप वो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सेटिंग में और क्या क्या चीज़ें हैं ये देखें, वीडियो की सेटिंग है कि आप वीडियो की कौन सी सेटिंग करना चाहते हैं, बेस कौन सी, मैंने 1080 रखी हुई है, ठीक है ना, 1080p पे मेरी जो वीडियो है वो रिकॉर्ड भी होती है और आउटपुट फाइल भी 1080p में मेरी निकलती है, ठीक है। ऑडियो के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया कि ये माइक्रोफोन सेट कर लिया, आप जौन सा करना चाहें, अगर आप डेस्कटॉप की ऑडियो चलाना चाहते हैं, अपने लैपटॉप की है वो चलाना चाहते हैं, आप बेशक वो चलाएँ, ठीक है। ये स्ट्रीम का हो गया, ये आउटपुट ऑप्शन के स्ट्रीमिंग के लिए ये सेटिंग है, ठीक है, मैंने की ये रिकॉर्डिंग के लिए, यहाँ से आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए भी और स्ट्रीमिंग के लिए भी। ये जनरल सेटिंग थी, इसमें तकरीबन काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, आप लोग सारा देखते हैं, ठीक है ना। ये एडवांस्ड है, एडवांस्ड में भी सेटिंग्स आ जाती हैं, वीडियो कैसी हो, उसका रेंडर कौन सा होना चाहिए, कलर फॉर्मेट क्या हो, कलर स्पेस क्या हो, कलर रेंज क्या हो, रिकॉर्डिंग कैसे हो, फाइल नेम आपका क्या हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ। आप जब इसको यूज़ करेंगे आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी तरह से पता चल जाएगा। भाई ये तो गिफ्ट है, मैं कहूँगा खासकर यूट्यूबर्स के लिए जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं और अपने स्क्रीन पे कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, उनके लिए ये ज़बरदस्त है, ठीक है। ये मैंने अब यहाँ पे चारों चीज़ें ऐड की हैं आपके सामने, डिस्प्ले कैप्चर है, ठीक है, दूसरा क्या था, टेक्स्ट था जो नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है, सब्सक्राइब टू माई चैनल youtube.com/4471, ठीक है, एक चीज़ ये होगी। दूसरा इमेज जो मैंने AWS सर्विसेज का ऊपर लोगो लगाया हुआ है कॉर्नर के ऊपर, आप लोग देख रहे हैं राइट टॉप कॉर्नर पर। दूसरा ये मेरा कैम है ब्राउज़र के थ्रू, जो मैं URL के थ्रू चला रहा हूँ मोबाइल से, ठीक है, ये ऐड किया हुआ आप लोगों के सामने, बिल्कुल इजी है, बहुत आसानी से यूज़ हो जाएगा। फाइल पढ़िए, किसी को चाहिए हो मुझे रब्ता करे, मैं इंशाल्लाह उसको शेयर कर दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। फ्रीलांसर दोस्त हैं उनको चाहिए हो, किसी यूट्यूबर को चाहिए, किसी फ्रेंड को चाहिए, कोई किसी को ऐसे ही चाहिए रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो भाई हाज़िर है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपको इसकी एक्सेस दे दूँगा, ठीक है। यूट्यूब में सर्च कर लिया कीजिए sial471 और सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और अगले वक्त अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।